बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल 20 कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और जो एच है एक सबसेट है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और हमने ये शो करना है कि H जो है वो सब ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो H है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इस टाइप के हैं कि उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके स्केयर्स का सम 1 है। देखें, अब यहाँ पर H का रियल पार्ट A है, इमेजिनरी पार्ट B है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि सम ऑफ रियल स्केयर ऑफ इमेजिनरी एंड रियल पार्ट इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन है, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन एच ने पूरी करनी है। अब हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो इसके लिए हम इसके दो एलिमेंट लेंगे। पहला एलिमेंट ले लिया हमने, और ये नेक्स्ट जो है ये वाला दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसको हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। अब ये एच के एलिमेंट हैं, एच के एलिमेंट हैं, इन्होंने कंडीशन फिर एच वाली पूरी करनी है। वो क्या कंडीशन है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह यहाँ पर देख लें, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इक्वल टू 1। तो ये एच के एलिमेंट्स का कंडीशन पूरी हो रही है जो हमने एलिमेंट लिए हैं। अब हम प्रूव करेंगे एच सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट को सेकंड के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं, इस चीज़ को चेक करते हैं। अब ये इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो हम उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि ये ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वैसे सेम होता है, ठीक है, रियल पार्ट सेम होता है, इमेजिनरी पार्ट भी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, लेकिन साइन के लिहाज से अपोजिट होते हैं। एक में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस होगा। तो अब देख लें, ये जो इमेजिनरी पार्ट है B2 है दोनों में, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, लेकिन साइन का डिफरेंस आ गया, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, और रियल पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होते हैं, दूसरे के कंजुगेट होते हैं। तो इन्हें हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इन दोनों को सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है उस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा कि पहले हम यहाँ से A1 को लेंगे और वो A2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा B2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस आयोटा B1 को लेंगे, वो फिर इस A2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा B2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन यानी कि न्यूमिरेटर में मल्टीप्लिकेशन तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में जो रकम मौजूद है ये A+B, ये A-B, तो फार्मूले की शेप है, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला बन रहा है, A+B (A-B) = A²-B²। तो यहाँ पर वही किया हुआ हमने, देख लें A²-B², और ऊपर वाली रकम को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये आयोटा स्केयर -1 होता है, यहाँ पर -1 लिख दिया, बाकी रकम सेम आ जाएगी। और यहाँ पर भी ये आयोटा स्केयर माइनस होता है,
माइनस वन होता है, बी टू का स्केयर हो जाएगा, इसलिए माइनस बी टू का स्केयर हो गया। बाकी रकम हमारी सेम आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला माइनस वन इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही हो रहा है देखें, ठीक है जी। और नीचे भी ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बाकी रकम सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, अब ये जो रकम है ये वन के इक्वल है क्योंकि ये सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इक्वल टू वन, तो ये लगा लिख लिखा वन लिख दिया हमने एक, तो नीचे तो ये चेंज आ गया। ऊपर क्या हो रहा है कि ये जो रियल पार्ट है ये और ये, इनको इकट्ठा लिख लिया, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं दोनों, इनमें से आयोटा को कॉमन ले लिया और प्लस वाले नंबर को पहले लिख लिया यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास नंबर बन गया, फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकंड के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने ये शो करना है कि एच को बिलोंग करता है, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, दोनों का सम अगर वन है तो ये एच को बिलोंग करेगा एलिमेंट। तो हम यही चेक करते हैं कि क्या इन दोनों के स्क्वायर्स का सम वन बनता है। अब यहाँ पर देखें वही रियल पार्ट का स्केयर हो गया और ये इमेजरी पार्ट का स्केयर हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ है देख सकते हैं आप, ये रियल पार्ट ये इमेजरी पार्ट दोनों के स्केयर्स का सम। अब सिंपल ये ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का स्केयर ये देख लें आप, सिंपल स्केयर खोलना है तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है जी। स्क्वायर खोल दिया आपने, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, टू ए और ये बी, तो ये स्क्वायर खोल दिया हमने। इसके बाद क्या किया, अब इसको सिंपलीफाई किया, अब ये वाला और ये दोनों सेम नंबर्स हैं लेकिन अपोजिट साइंस हैं, तो ये आपस में हो गए कैंसिल, बाकी जो रकम बच गई है वो हमने लिख ली। अब ये जो रकम है इसके हमने बनाने फैक्टर्स, इस रकम को हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है जी। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए इसको हमने करना है रीअरेंज। तो आप देखें हमने ऐसा इसको अरेंज करना है कि कुछ कॉमन आ जाए, दो दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे और उनमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। तब आप देखें हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो फर्स्ट नंबर है ये लिख लिया सबसे पहले, ठीक है जी, और इस वाले लास्ट को इस फर्स्ट यहाँ लिख दिया ना, और बाकी दो को फिर लिख दिया। तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों में से ए वन स्क्वायर कॉमन है, ठीक है जी, इन दोनों में से ए वन स्क्वायर कॉमन है वो आपने ले लिया, इन दोनों में से बी वन स्क्वायर कॉमन है वो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब मज़ीद आप क्या देख रहे हैं, ये जो रकम ब्रैकेट में लिखी हुई है ये कॉमन आ जाएगी, तो ये चीज़ बन गई, ये भी हमारे पास वन है, ये भी वन है, तो वन लिख दिया तो रिजल्ट वन आ गया। तो आपने क्या देखा है कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर्स का सम है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर्स का सम है वो हमने यहाँ शो कर दिया क्या है, वन के इक्वल है। और ये कंडीशन तो एच के एलिमेंट्स पूरा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट एच को बिलोंग करता है, इसलिए ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट एच को बिलोंग करता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एच जो है वो सब ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हमने अपना प्रूफ मुकम्मल कर लिया। तो अब अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपको लेक्चर मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।